नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 7 न्यूज आवाज बुलंदियों तक। आगामी त्यौहार मुहर्रम को लेकर काकादेव थाना प्रभारी द्वारा शांति समिति की बैठक का किया गया आयोजन। कानपुर के थाना काकादेव परिसर में आगामी त्यौहार मुहर्रम के मद्देनजर प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार वर्मा की अगुवाई में दो समुदाय के लोगों को बुलाकर वार्ता की गई और उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों से अवगत भी कराया गया। इस मौके पर थाना काकादेव चौकी क्षेत्र शास्त्री नगर में S10 वॉलंटियर व संप्रभात व्यक्तियों के साथ पैदल गश्त करते हुए क्षेत्र के माहौल को भी जानने की कोशिश की गई। आपको बता दें, थाना काकादेव परिसर में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने की। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का पालन करते हुए त्यौहार को आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। इस अहम मौके पर प्रभारी मनोज कुमार वर्मा शास्त्री नगर चौकी इंचार्ज तथा काकादेव थाने का सभी स्टाफ के साथ साथ भाजपा नेता अमन ठाकुर, सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता सलाउद्दीन, दिनेश शर्मा सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। हमारे चैनल क्राइम 7 न्यूज के साथ बने रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।